YouTube पे जाके लोगन देखी हा, सबसे ज्यादा सटते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे छू यहाँ यहाँ हाथ लगाओ। और आज देखिए ससुराल वालों को दिखा रहे हैं कि कितना सीधा दबाव है। ये कलाकार लोग हैं, हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, ठीक है? कहाँ 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 बैठ गए? हर तत्व हर के कोनिया हर तो नहीं दिए धनिया हो, अरे जतिया जे रख तू होगी, हर जतिया जे रख तू हो मारे धनी। ए जतिया जे रही तू हमार, ए असली बात बाकी बात। अरे राजा जी की उठावस ईसा राव बिटिया बड़ी हम हूं आज नीसा राव रो बिटिया बड़ी किधर के जिर गांव का हूं। चाचा जी कहां है? फुफु फुफु बारे लागल दिलवा के पान कि आज अल्लाह के दरियो में मैंने हान हो के दी भैया चौगुन में, कि आज राजा जी के गोरवे में जवान हो के दी, आज राजा जी के गोरवे में जवान हो के दी। कि आज महिला मिलनवा मिलन सजनी के सजनवा हमारे परम अजीज बड़े भाई तूफानी लाल यादव जी मंच पे आ रहे हैं। आपका स्वागत है बड़े भाई, आप मंच पे आए। अब मैं चांदन जी के लिए ज्यादा समय ना लेते हुए भैया क्या बात है, सुनिए सुनिए भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया कि गुल गुलजार का मजा लीजिए। चाचा जी गुल गुल जागर सा मजा लीजिए, और चंदन जी के लिए कि सहरा लीलार का मजा लीजिए, सहरा लीलार का मजा लीजिए, गुल गुल जागर का मजा लीजिए, गुल गुल जागर का मजा लीजिए।
कुछ चाचा कहीं माँ बाप भाई है करती हूँ क्योंकि वो उस लायक है। हट भसुराम, क्योंकि मेरी बहन उस लायक है कि मैं उसके मंचों पे तारीफ करूं। रूप के निखार का मजा लीजिए, रूप के निखार का मजा लीजिए, सहरा निखार का मजा लीजिए, सहरा निखार का मजा लीजिए, सहरा लीलार का मजा लीजिए। मुन्ना भैया एक लाइन, भैया 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 बजाइए बता। इसलिए क्योंकि बहुत सारे कलाकार आए हैं, हमको इतना टाइम नहीं खाना है, लेकिन एक लाइन में दूल्हा और दुल्हन के। भैया थोड़ा मंच खाली कर दीजिए, मंच थोड़ा सा खाली कर दीजिए, थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए भैया, थोड़ा सा। ये जो फोटो यूट्यूबर भैया लोग आप सब ये जो फोटो देख रहे हैं पीछे चंदन जी और मेरी बहन का, इतनी सुंदर पत्नी मिली है हमारे चंदन जी को। और चंदन जी के लिए कहना है क्या कि रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जना, कि रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जना, कि दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है दुल्हन भी लाजवाब। हिंदी गाने की फरमाइश है। अच्छा ठीक है, गजल गाओ।